भाजपा में टिकट के जिन दावेदारों की बड़े नेताओं से नजदीकियां हैं, वे यह सोच रहे हैं कि इन नजदीकियों का उन्हें टिकट आवंटन में लाभ मिलेगा, तो वे गलत सोच रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि बड़े नेताओं से नजदीकियों का टिकट आवंटन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी अपने स्तर पर विभिन्न सर्वे कर रही है और इनके आधार पर जो जिताऊ उम्मीदवार साबित होगा उसे ही पार्टी का टिकट दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा के मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के संकेत भी दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले भी कई मौजूदा विधायकों के टिकट कट चुके हैं और जो विधायक नहीं बने उन्हें टिकट मिले हैं। पार्टी ये देखेगी कि सीट कौन जीत सकता है और उसी को ही टिकट दिया जाएगा। टिकट जिताऊ उम्मीदवार को देंगे। अलग अलग तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है, सर्वे भी हो रहे हैं, सर्वे के साथ साथ में संगठन की भी फीडबैक ली जा रही है और व्यक्ति किसके नजदीक है किसके दूर है इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय करेगा, लेकिन कंप्लीट पूरी फीडबैक के आधार पर जो है वो फीडबैक लेने के बाद निर्णय करेगा। पहले भी आज से पहले भी विधायकों के टिकट जो है वो विधायक रहते हुए कटे हुए हैं और जो विधायक नहीं थे उनको टिकट मिले हैं। विनेबिलिटी बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है और उसके साथ साथ में पार्टी ने अलग अलग चैनल से जो फीडबैक मांगा है उस फीडबैक के आधार पर ही टिकट का निर्णय होगा और जो निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो सूचियां आ रही हैं वे पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने बताया कि जब भाजपा अपने प्रत्याशियों की सूचियां जारी करेगी तो इसके लिए बकायदा प्रेस वार्ता की जाएगी और उसमें ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वक्त पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है और कांग्रेस के कई नेता भाजपा में आने का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हमारी जो टिकट की जो सूची जारी नहीं होगी, आपको जो टिकट की सूची जारी करेंगे तो उसमें विधिवत जो व्यवस्था रहती है उसके मुताबिक पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो निर्णय होगा उस निर्णय की वाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सूची होगी वही सूची मान्य होगी। कि लहर देख करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।